हेलो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दूध पानी के मिश्रण वाले मुश्किल प्रश्नों को एक नहीं तीन तीन आसान तरीकों से करना सिखाऊंगा और कुछ प्रश्नों का सिर्फ एग्जैक्ट 1 सेकंड वाला सॉल्यूशन भी सिखाऊंगा। ये 10 मिनट का वीडियो देखने के बाद आपको इन प्रश्नों को हल करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली, तो वीडियो को अंत तक देखिए। हमारे पास इस वीडियो में मैंने 3 टाइप इंक्लूड की हैं। हर टाइप के मैंने दो दो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो पहली टाइप देखते हैं। शुद्ध दूध का मूल्य 12 रुपये प्रति लीटर है। उस दूध में 25 लीटर पानी मिला दिया जाता है जिससे उस दूध का मूल्य 2 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। तो मिश्रण में उस दूध की मात्रा हमें बतानी है। इस क्वेश्चन को हम बगैर कोई फॉर्मूला यूज किए एलिगेशन मेथड से करेंगे। अच्छा, एलिगेशन मेथड क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि इसमें दिया है दूध का मूल्य है 12 रुपये प्रति लीटर, ठीक है, और उसमें 25 लीटर पानी मिला दिया। तो पानी का मूल्य क्या होता है? पानी तो फ्री का होता है, तो पानी का मूल्य हो गया 0। तो उसके बाद उस दूध का मूल्य 2 रुपये प्रति लीटर हो जाता है, तो 2 को आप लिख लें यहाँ पर। तो ये होता है एलिवेशन मेथड। यहाँ पर इसको हम करते हैं ऐसे सोल्व जिसमें बड़े वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू हमें घटानी होती है। जैसे कि 12 में से 2 गए तो 10 बचे, यहाँ पर 2 बड़ा है तो 2 में से 0 गया, 2 बचा। ऐसे हमें करना होता है। यहाँ पर जो आता है वो आता है क्वांटिटी रेशियो। क्वांटिटी रेशियो यहाँ पर आता है, जो भी आता है किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो इसमें अगर हमें मिनिमम वैल्यू कर लेनी है काट के, तो 2 एकम 2, 2 पाँच 10, तो 1:5 आ गया। तो ये होगा, ये पानी का अनुपात आएगा, ये है ये दूध का, क्योंकि यहाँ पर दूध था और यहाँ पर पानी था। तो आगे हमसे क्या पूछा है? उस दूध में हमने 25 लीटर पानी मिलाया था, तो यहाँ पर तो पानी है 5 लीटर, लेकिन हमने मिलाया था 25 लीटर, तो ये कितने गुणा पे है? 5 गुणा पे। तो इसको अगर पानी 5 गुणा पे है तो दूध भी 5 गुणा पे होगा, तो दूध को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो 5 आया, 5 लीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उस मिश्रण में हमें दूध की मात्रा ज्ञात करनी थी जो कि 5 लीटर हमारी आ चुकी है। तो इस टाइप से बगैर कोई फॉर्मूला यूज किए हमने इसको एलिगेशन मेथड से इजीली किया। 3 से 4 सेकंड लगे हमें। तो दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट टाइप पे चलेंगे। नेक्स्ट टाइप का जो है उसका मैं आपको 1 सेकंड सोल्यूशन बताऊंगा कि 1 सेकंड में बगैर पेन यूज किए कैसे करते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन है। दूध का जो मूल्य है वो 108 रुपये प्रति लीटर दिया हुआ है। उस दूध में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है जिसमें उस दूध का मूल्य 90 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। तो दूध की मात्रा हमें बतानी है। यहाँ पे हमारा दूध हो गया, यहाँ पे पानी हो गया। यहाँ पर 108 रुपये प्रति लीटर दूध का मूल्य था, पानी हमें मिलाया जो कि फ्री होता है, 0 रुपये प्रति लीटर हो गया। फाइनल मूल्य हमारा गया 90, बड़े में से छोटा हमें घटाना है, तो यहाँ पर आ गया 18। 108 में से 90 गए, 18 बचे, 90 में से 0 गया, 90 बचे। इसको जब काटेंगे तो कितना बचेगा? 18 5 90, तो ये आ गया हमारा क्वांटिटी रेशियो 5:1। यहाँ पर पानी कितना मिलाया था हमें? 5 लीटर पानी मिलाया था, लेकिन यहाँ पर पानी कितना आ रहा है? 1 लीटर आ रहा है, तो कितने गुणा पे है? 5 गुणा पे है। 5 गुणा पे अगर पानी है तो दूध भी कितने गुणा पे होगा? 5 गुणा पे होगा। तो इसको इससे 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आ जाएगा? 25 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से, इसी तरीके से हमने इनको करना है। अगले टाइप का जो क्वेश्चन करवाने आ रहा हूँ उसको मैं 1 सेकंड का सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। कोई कुछ भी यूज नहीं करना उसमें, तो ये मेथड भी यूज नहीं करना, 3 से 4 सेकंड भी खर्च नहीं करने, सिर्फ 1 सेकंड का सॉल्यूशन है। इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखिए। टाइप 2 है, दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसे क्रय मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ हो। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमें टाइम सेविंग कैसे करनी है? जिस भी किसी क्वेश्चन में पूछा हो कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसे क्रय मूल्य पर बेचने पर इतने परसेंट का लाभ हो या हानि हो, इस तरह की कोई भी क्वेश्चन हो उसको ऐसे करना है बगैर पेन यूज किए कि 25% हमारे पास दे रखा है, क्रय मतलब लाभ दे रखा है 25% का। 25% को क्या लिख सकते हैं? 25/100, तो ये कितना हो गया? 1/4। 25/100 को 1/4 लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट इसको 4:1 हम अनुपात आंसर हम दे देंगे। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, इससे इजी सॉल्यूशन कोई भी किसी भी क्वेश्चन का हो ही नहीं सकता।
तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें अनुपात पूछा हो और जिसमें क्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ या हानि दे रखी हो, इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपने देखना है 25% है, तो 25% कितना होता है, 1/4 होता है, 4 होता है तो 4:1 आ गया। ये ध्यान रखें कि जो नीचे वाले वैल्यू है उसको पहले लिखना है, उस दूसरी को बाद में, तो 4:1 अनुपात आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, एक और करवा देता हूँ आपको। इसमें दिया हुआ है दूध में पानी किस अनुपात में मिलाएं कि उसे क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। अब इसमें 20% दिया हुआ है, जैसे कि हमें पता है 20% कितना होता है, 1/5 होता है, 1/5 मतलब 5:1, बस हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पेन चलाना ही नहीं है। आपको दिखा देता हूँ, 20% 1/5 होता है, 5:1 आंसर। इनका डिटेल सॉल्यूशन भी होता है लेकिन उनका करने का हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा जो एग्जाम होता है वो तो ऑब्जेक्टिव होता है, तो हमें सिर्फ टाइम सेविंग करना है, आंसर पे मतलब है हमें आंसर देना है, तो इसका ऐसे डायरेक्ट आंसर होता है। अगर आप डिटेल सॉल्यूशन की कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनका डिटेल सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा। तीसरी टाइप पे चलते हैं, ये टाइप में 5 से 6 बार SSC के एग्जाम्स में पूछी जा चुका है, ये क्वेश्चन इस टाइप से 6 बार तो कम से कम पूछा जा चुका है, ये टाइप थर्ड बनती है ये। तो इसमें देखते हैं कैसे करना है इजी तरीके से। इस टाइप का मैं आपको तीन तीन तरह के सॉल्यूशन बताऊंगा, तीन में से जो आपको पसंद आए आप उसको चूज कर सकते हैं, तीन सॉल्यूशन एक ही क्वेश्चन के। चलिए देखते हैं, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, उसमें से 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है, तो बताइए उसमें कितना दूध बचा होगा। अब इसको कैसे तरीके से करें मैं मेथड एक बताता हूँ आपको। तीन तीन मेथड आपको एक क्वेश्चन के कोई भी नहीं बताने वाला, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मेथड कैसे करेंगे भाई, दिया हुआ है हमारे पास 8 लीटर दूध, 8 लीटर जो दूध है वो निकाल कर बार बार उसमें पानी मिलाया जा रहा है और ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई जा रही है, 2 बार और दोहराई जा रही है, और 1 बार पहले दोहराई, 3 बार दोहराई टोटल। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, पहला मेथड है हमारे पास जितना निकाला मतलब कि 8 लीटर और टोटल दूध कितना था 80 लीटर, कटने पर कितना आया 1/10, इसका मतलब क्या हुआ, 10 था, अगर 10 लीटर दूध था, एक निकाल लिया तो बचा कितना, 9 बचा। तो इसको पहले मेथड में ऐसे करेंगे, यहाँ पर ओरिजिनल लिखते हैं, यहाँ पर लेफ्ट क्वांटिटी लिखते हैं, कितना बचा, ओरिजिनल कितना था 10 था, बचा कितना अब निकालने के बाद 9 बचा, तो कितनी बार निकाला है, 2 बार ये और 1 बार शुरू में, 3 बार निकाला है, तो इसको लिख ले 3 बार। ठीक है, इन तीनों की कर दे मल्टीप्लाई, ये आ गया 1000 और ये कितना आ गया 729। ठीक है, हमारे पास ये आ गया, हमें कितना निकालना है, ये अगर 1000 लीटर था तो हमारे पास बचा 729 लीटर, लेकिन हमारे पास तो लीटर तो था 80, तो 1 लीटर अगर होता तो कितना बचता, 729/1000, और अगर 80 लीटर है तो कितना बचेगा, 8×80 8008, ये कट गया, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5832 और 2 नीचे 0 है तो पॉइंट लग जाएगा, ये लीटर हमारा आंसर आ गया। अच्छा, सेकंड मेथड मैं आपको बताता हूँ, ये मेथड सेकंड लीजिए, इसको कैसे करेंगे, डायरेक्ट हमारे पास कितना है निकाला, कितना 8 लीटर, टोटल कितना था 80 लीटर, कितना हो गया 1/10। अब इसको कैसे करना है, हमारे पास टोटल जो था उसमें से टोटल था हमारे पास 80, उसमें से 10 में से एक निकाला मतलब कितना बचा, 9 बचा, तो 9/10, कितनी बार निकाला है 3 बार निकाला है, तो इसको 3 बार लिख दें, इसको अगर काटेंगे तो सेम वही आएगा 729×8, ये आ गया 58.32 लीटर आंसर। तो ये हो गया हमारा दूसरा मेथड। अगर आपको इन दोनों मेथड भी पसंद नहीं आए तो आपको मैं तीसरा तरीका बताता हूँ, ये लीजिए मेथड थर्ड। इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, फॉर्मूला होता है लेफ्ट इज इक्वल टू ओरिजिनल 1 - आउटलेट अपॉन ओरिजिनल और इनटू पावर इसकी होती है एन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा होता है। अगर आपको ये दोनों मेथड पसंद नहीं आए तो आप इस फॉर्मूले को रट लें, लेफ्ट कितना मतलब बचा हुआ निकल आएगा हमारे पास, ओरिजिनल था 80 और यहाँ पर 1 है, आउटलेट कितना निकाला है वो होता है 8 निकाला है हमारे पास,
नीचे ओरिजिनल आएगा 80 आएगा, पावर एन का मतलब है कि कितनी बार निकाला है, तो ये 3 आ जाएगा, एन यहाँ पे 3 हो जाएगा। आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, डायरेक्ट आंसर लें। तो ये थे इसके 3 तरीके। आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा तरीका पसंद आया। इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन है ये भी। एक बर्तन में 125 लीटर शराब है, बर्तन में से 25 लीटर निकाल कर उतना ही पानी निकाल दिया जाता है, मिला दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया जाता है, तो इसको कैसे करेंगे? सेम वही तरीका है, 125 लीटर 25 निकाला है, 125 टोटल था, तो इसको कैसे करते हैं? 125 टोटल था, ये हो गया कटने के बाद 1/5, मतलब कि 5 था तो 1 निकाल लिया, बचा 4, 4/5 आ जाएगा हमारा, तो 4/5 × 4/5 × 4/5, इसको अगर काटते हैं तो ये आ जाता है 64 लीटर आंसर। बाकी तरीकों से आप खुद कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल के लिए बेल को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।